हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्टीन जी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के पेपर में मेंस के पेपर में पूछा गया रिलेटेड टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम सो हमें यहाँ पर दो लूप देके रखे हैं स्क्वायर लूप है कोप्लेनर है एक का साइड कैपिटल एल है एक का साइड स्मॉल एल है स्मॉल एल जो है वो बहुत ही छोटा है कैपिटल एल के सामने सो हमें बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बेसिकली एनसीआर का ही एक प्रॉब्लम है जिसमें कि लूप्स सर्कुलर लेके रखे हैं लेकिन इसमें लूप्स जो हैं वो स्क्वेर लेके रखे हैं तो स्ट्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिकली फ्लक्स निकालेंगे लेट सपोज मैं इस बड़े वाली कॉइल को ले लेता हूँ यहाँ पर मान लेते हैं देखिए ये मैंने बड़े वाला कॉइल ले लिया लेट सपोज इस कॉइल में जो है वो करंट फ्लो करता है सो स्टूडेंट्स इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे लाइक like, एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सिंपली बी इज इक्वल टू मिनोट अपॉन फोर पाए आई अपॉन ए ए मतलब डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस होता है सेंटर से जहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है वहाँ से लेकर के वायर एलिमेंट तक का डिस्टेंस सो so, ये बेसिकली अभी एल बाय टू हो जाएगा बिकॉज आपका जो साइड है वो कैपिटल एल है तो सेंटर तक की डिस्टेंस एल बाय टू होगी सो इट इज रिटन एज एल बाय टू टू को मैं ऊपर ले जाता हूं एंड अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन फोर्टी फाइव जो भी स्टैंडर्ड फॉमुला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का साइन फोर्टी फाइव प्लस साइन फोर्टी फाइव ये एंगल्स होते हैं साइन फाइव वन प्लस फाइव टू यहां पर जो बनने वाले एंगल होते हैं फाइव टू वन फाइव वन अभी इस सिचुएशन में ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव बन रहे हैं तो मैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा यहां पर बेसिकली ये फोर एलिमेंट्स होंगे सबका मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट वो आपके फेस की तरफ बन रहा होगा अगर आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे तो इन सभी एलिमेंट्स की वजह से फील्ड सेम डायरेक्शन में बनेगा तो इसलिए मैंने पर फोर से मल्टीप्लाई भी कर लिया है सो so, हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन रहा है इट लाइक अपॉन इट इज़ टू आई अपॉन एल एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद फोर एज वेल एंड साइन फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव सोल्व करेंगे इट इज़ वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू और वी कैन से दैट इट इज़ लाइक देखिए आप एल में आ जाएगा आपके पास रूट टू और टू पर चला जाएगा टू फोर जट सिक्सटीन सो आई कैन राइट सिंपली सिक्सटीन म्यू नॉट अपॉन फोर बाय आई अपॉन एल इन रूट टू सो दैट इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लार्जर कॉयल इसके सेंटर पर जो इतनी फील्ड बन रही है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं अब यहाँ पर अंदर एक छोटा लूप और भी है जिसकी साइड क्वेश्चन में स्मॉल एल दे के रखी है और स्मॉल एल जो है वो कहा गया है क्वेश्चन में कि जो कैपिटल एल है या स्मॉ एल मैं इस तरह से भी कहूँ कैपिटल इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल सो यह बहुत ही छोटा सा लूप है इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स Uh, ये जो फील्ड आपने सेंटर पर निकाली है ऑलमोस्ट इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से ये फील्ड ऑलमोस्ट सेम रहेगी लाइक कैपिटल बी इज द फील्ड एट द सेंटर बट दिस लूप इज वेरी वेरी स्मॉल सो जो पूरे रीजन में जो फील्ड रहेगी वो आप उसको कैपिटल बी ले सकते हो क्योंकि कैपिटल एल स्मॉल एल से बहुत ही बड़ा है दिस एरिया इज वेरी स्मॉल सो हमें पता चल गया है कि यहां पर इस लूप में से लाइक वट इज द फील्ड इन दिस लूप सो हम निकाल चुके हैं कैपिटल बी तो हम देखेंगे वट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉलर लूप देयर सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जीरो है कैल्कुलेट so so कर लेंगे कि छोटे वाले लूप के साथ कितना जो है वो फ्लक्स लिंक हुआ है सो विल सिंपली राइट इट एज फाई इज इक्वल टू बी ए बी की वैल्यू है हमारे पास फ्रेंड सिक्सटीन म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई अपॉन एल अंडर रूट टू और छोटे वाले लूप का एरिया होगा एल स्क्वायर सो मैं इसे इक्वेशन नंबर वन नाम देता हूँ सो फ्लक्स जो लिंक कर रहा है स्मॉलर लूप के साथ वो हमने कैलकुलेट कर लिया देन वी कैन ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लेट सपोज आई इज द करंट एंड फाइव इज इक्वल टू एम आई आई हमने करंट लेकर रखा है सो फाइव वन इज इक्वल टू एम आई ये दोनों ही फ्लक्स के आंसर्स हैं जो फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है हमारे uh, छोटे वाले uh, लूप के साथ छोटे वाले स्क्वायर लूप के साथ सो आई कैन इक्वेट दीज टू फ्लक्स देर इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है सो एम आई का आंसर आ जाएगा या एम आई की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन एल रूट टू इन टू एल स्क्ट इज द वैल्यू और यहां से आई से आई जो है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन बच रहा है कैपिटल एम इज इक्वल टू सिक्सटीन म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एंड इट इज एल स्क् अपॉन एल रूट टू देखिए आंसर जो है वो 16 में नहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा 4, 4, हो जाएगा यहां पर and, uh, थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं अगर हम पर तोड़ के लिखता हूँ टू रूट टू इंटू रूट टू बिकॉज इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन आंसर दे के रखा ऑप्शन बना के आंसर म्यू नॉट एल स्क् एल रूट टू सो रूट टू से जो है स्टूडेंट्स रूट टू कैंसिल आंसर आ रहा है टू रूट टू म्यू नॉट एल कैपिटल एल सो टू रूट टू म्यू नॉट एल है वो आंसर बन रहा है सो लेट्स चेक द ऑप्शन देयर सो देखिए टू रूट टू म्यू नॉट एल स्क् पाई एल दिस इज आंसर सो जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन में वो हमारा आंसर देखिए आंसर हमारे पास पहले भी आ गया था लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में देके रखा है थैंक यू